हेलो गाइस, मैं दिवाकर राज अपने यूट्यूब चैनल राज भारकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, है ना, आपके साथ जुड़ने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है पॉलन ग्रेन, जिसे हिंदी में हम पराग कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पराग कण कहते हैं। पॉलन ग्रेन की बातें की जाए तो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में। आइए हम यहाँ भी आपको पॉलन ग्रेन्स के बारे में बताते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में आपको बताते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का, ठीक है। कहते हैं आइए हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, हमने फिगर बना रखा है पॉलन ग्रेन का, क्लियर। सबसे पहले कुछ पॉइंट आपको हम बताना चाहते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। कहते हैं द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पॉलिनोलॉजी। कहते हैं जिस यूनिट में हम पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन का स्टडी करते हैं उसे पॉलिनोलॉजी कहते हैं। कहा जाता है कि द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पॉलिनोलॉजी, है ना। मतलब पॉलन ग्रेन के अध्ययन को हम पॉलिनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पॉलिनोलॉजी कहते हैं, क्लियर। तो कहा जाता है कि पॉलन ग्रेन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? आप देख रहे हैं हमने पॉलन ग्रेन के अध्ययन को पॉलिनोलॉजी बताया, क्लियर। आइए और कुछ बातें करते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। कहते हैं कि आपको पॉलन ग्रेन के हम बारे में बताते हैं, तो कहते हैं प्रत्येक पॉलन ग्रेन, है ना, आप जानते हैं ग्रेन्स है, डस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, है ना। कहते हैं प्रत्येक पॉलन ग्रेन 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। अगर पॉलन ग्रेन के हम डायमीटर की बात करें ना, तो 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का ये होता है पॉलन ग्रेन, क्लियर। कहते हैं कि पॉलन ग्रेन के बात करें तो पॉलन ग्रेन के बाहर क्या ये स्ट्रक्चर पे हम आ जाते हैं, है ना, कि पॉलन ग्रेन का क्या स्ट्रक्चर है। तो अगर स्ट्रक्चर की हम आपके साथ बात करें, है ना, तो कहते हैं आप देखिए फिगर में आपको साफ और क्लियर वे में नजर आ रहा होगा कि पॉलन ग्रेन के बाहर दो लेयर की दीवारें पाई जाती है। पॉलन ग्रेन के बाहर दो लेयर होता है, है ना। कहते हैं कि आउटर लेयर जो होता है वो स्पाइनस होता है। कैसा होता है? स्पाइनस, जानते हैं स्पाइनस, दैट मींस कटीला, कांटे जैसा, है ना। स्पाइनस होता है, साथ ही साथ थिक भी होता है। कैसा होता है? थिक होता है, जिसे हमने बताया एग्जाइम। जिसे क्या बताया? एग्जाइम। आपको फिगर में क्लियर नजर आ रहा होगा कि सबसे बाहर पाया जाने वाला लेयर देखिए कांटे की तरह हमने बनाया है, स्पाइनस बनाया है, साथ साथ थोड़ा थिक भी बनाया है, जिसे हमने एग्जाइम बताया। तो हम बोल सकते हैं कि पॉलन ग्रेन के बाहर दो लेयर्स पाई जाती है तथा सबसे बाहर पाया जाने वाला जो लेयर है उसे हम एग्जाइम कहते हैं, जो प्राय स्पाइनस तथा थिक भी होता है, क्लियर। कहते हैं यह एग्जाइन जो लेयर होता है, अगर एग्जाइन लेयर की हम बात करें आपके साथ, तो कहते हैं यह एग्जाइन लेयर काफी ज्यादा रेसिस्टेंट लेयर होता है, काफी हार्ड लेयर होता है। ऐसा क्यों है इसमें जो हार्ड है? तो कहते हैं एग्जाइन लेयर की बात की जाए तो एग्जाइन लेयर पर एक स्पेसिफिक कंपाउंड है ना, स्पोरोपोलेनिन, एक स्पेसिफिक कंपाउंड स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन होता है। आप नाम जानते होंगे या नहीं, बट यहाँ पे देख लीजिए स्पोरोपोलेनिन नाम का एक कंपाउंड होता है और इसी कंपाउंड का डिपोजिशन होता है बाबू कहाँ पे? ये स्पाइनस जो लेयर आप देख रहे हैं एग्जाइन लेयर पे डिपोजिशन होता है। किसका? लिखा हुआ है स्पोरोपोलेनिन। कहते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन एग्जाइन लेयर काफी ज्यादा रेसिस्टेंट होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है। अगर काफी ज्यादा, आप क्यों बोल रहे हैं सर? तो हम अगर काफी ज्यादा की बातें करें तो काफी ज्यादा इसलिए हम कह रहे हैं सर बिकॉज इस पे हाई एसिड या कोई भी स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स होते हैं, अल्कली, इंजाइम्स इत्यादि, हाई टेम्परेचर की बात करें, ये सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ना तो इंजाइम इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, नहीं अल्कली डिस्ट्रॉय कर सकते, नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड से भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। अतः ये काफी ज्यादा रेसिस्टेंट कंपाउंड होता है स्पोरोपोलेनिन, और डी टू डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन एग्जाइम भी काफी ज्यादा क्या है? हार्ड होता है, रेसिस्टेंट होता है। बट आपको देख रहे होंगे कहीं कहीं पे एग्जाइन लेयर अंदर की ओर धंसा हुआ नजर आ रहा है, अंदर की ओर कॉन्स्ट्रिक्ट नजर आ रहा है। कहते हैं तो हम बोलते हैं सेकंड पॉइंट
कि यह एग्जाइन लेयर अनेक स्थानों पे अंदर की ओर धंसा हुआ है। आपको फिगर में साफ नजर आ रहा है कि अंदर की ओर क्या हुआ है, धंसा हुआ है एग्जाइन लेयर, जिसे हम जर्म पोर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। आपको क्लियर नजर आ रहा होगा फिगर में कि यह जो धंसा हुआ स्थान है, इसे मैंने डिनोट किया है जर्म पोर। कहते हैं अगर जर्म पोर की बात करें तो जर्म पोर पे ये कंपाउंड यानी कि स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं होता है। अतः एग्जाइन लेयर की बात की जाए तो एग्जाइन में जहां जहां जर्म पोर होगा वो एग्जाइन लेयर का वीक पॉइंट है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं है। बाकी एग्जाइन के हर लेयर में, एग्जाइन के हर जगह पे स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन होने की वजह से वो काफी ज्यादा हार्ड है, बट जर्म पोर पे स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन बिल्कुल भी नहीं होता। ये बात ध्यान में रहे, क्लियर। कहते हैं इसके बाद अगर बात करें कि जो पॉलन ग्रेन का इंटरनल लेयर है, अंदर वाला लेयर है ना, वो क्या होता है कि वो काफी ज्यादा थिन होता है। थिन मतलब पतला होता है ना, तो थिन होता है जिसे हम इंटाइन कहते हैं। और ये जो इंटाइन होता है वो सेल्युलोज अथवा पेक्टीन का बना हुआ रहता है, सेल्युलोज अथवा पेक्टीन का बना हुआ होता है। इसके बाद बात करें तो पॉलन ग्रेन में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं तथा साइटोप्लाज्म भी पाए जाते हैं। तो ये एक्चुअल में पॉलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। देखिए कुछ बातें करते हैं। आफ्टर मैच्यूरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब पॉलन ग्रेन के मैच्योर हो जाने के बाद, परिपक्व हो जाने के बाद, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर कर जाता है तो पॉलन ग्रेन है ना डिवाइड करता है। पॉलन ग्रेन डिवाइड होकर के दो अनइक्वल डॉटर सेल बनाते हैं, दो अनइक्वल डॉटर सेल बनाते हैं, मतलब असमान कोशिका का निर्माण करती है, जिसमें से है ना लार्जर सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं जबकि स्मॉलर सेल को जनरेटिव सेल कहते हैं। आप देखिए पॉलन ग्रेन जब मैच्योर किया, परिपक्व किया, तो ये डिवाइड करता है और दो अनइक्वल डॉटर सेल बनाता है। इसीलिए हमने फिगर में ऊपर वाले सेल को थोड़ा बड़ा दिखाया है जबकि नीचे वाले सेल को बाबू थोड़ा छोटा दिखाया। आप ध्यान से देखिए इस फिगर को और समझने का प्रयास कीजिए कि बड़ा वाला सेल है उसे हम क्या बताए, वेजिटेटिव सेल बताए और छोटे वाले को जनरेटिव सेल बताए हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जब पॉलन ग्रेन मैच्योर करता है, परिपक्व होता है, तब वह विभाजित करता है तथा दो अनइक्वल डॉटर सेल बनाते हैं। कैसे सेल बनाते हैं? अनइक्वल डॉटर सेल बनाते हैं जिसमें से लार्जर सेल को, बड़े वाले सेल को क्या बोले बाबू, खुद ही देख लीजिए, विजिटेटिव सेल बोले, जबकि स्मॉलर सेल को क्या बोले, तो जनरेटिव सेल बोले। बोले कि नहीं बोले? बोले। इसके बाद अगर बातें करते हैं है ना आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन किसे कहते हैं, तो किसी भी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन को निकल करके स्टिग्मा तक जाने की जो क्रिया है, प्रोसेस है, उसे ही हम पॉलिनेशन बताते हैं। आप प्रीवियस क्लास जजमेंट टेंथ वगैरह में पढ़ चुके हैं इस बातों को। तो कहते हैं पॉलिनेशन के समय जैसे ही पॉलन ग्रेन किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है, कहां पहुंचता है, तो किसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन स्टिग्मा पे जाता है, तब क्या होता है, तब वहां पे क्या होता है, जो आप देखिए वहां पे क्या होता है कि ये जो बड़ा वाला सेल है, क्या बोले थे इसको, याद है आपको, हमने इसे वेजिटेटिव सेल बताया था। कहते हैं अगर वेजिटेटिव सेल की बात करें तो जैसे स्टिग्मा पे पहुंचता है, वेजिटेटिव सेल जर्म पोर से बाहर की ओर निकलता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे हमने बताया पॉलन ट्यूब, जिसे मैंने क्या बताया बाबू, पॉलन ट्यूब बताया। देखिए क्लियर लिखा हुआ है आपका पॉलन ट्यूब। कहते हैं कि जर्म पोर से ही क्यों वेजिटेटिव सेल बाहर की ओर निकला, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म किया, बिकॉज आपको अभी हम बता चुके हैं कि एग्जाइन लेयर काफी ज्यादा हार्ड होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, नहीं तो इसको एंजाइम डिस्ट्रॉय करता, ना ही कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता, तो कहां से निकलेगा, तो वीक पॉइंट क्या है, जर्म पोर से निकलेगा वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल जर्म पोर से बाहर की ओर निकलता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे हमने बताया पॉलन ट्यूब।
ठीक है। कहते इसके बाद जनरेटिव सेल क्या करता है, ये भी तो सवाल उत्पन्न होती है। कहते जनरेटिव सेल की अगर हम आपके साथ बातें करें तो बताते हैं कि जो जनरेटिव सेल होता है ये पुनः डिवाइड करता है और दो मेल गैमेट का निर्माण करता है। दो क्या निर्माण करता है बाबू, मेल गैमेट का निर्माण करता है। और आपको एकदम क्लियर नजर आ रहा होगा ये दो मेल गैमेट देखिए ट्यूब में प्रेजेंट है, दैट मींस पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट है। देखिए यहां पर लिखा भी मैंने कि टू मेल गैमेट। तो जनरेटिव सेल पुनः विभाजित करता है और दो के दो मेल गैमेट का निर्माण कर देता है। और ये दोनों ही मेल गैमेट कहां उपस्थित होते हैं, पॉलन ट्यूब में उपस्थित होते हैं। तो एक्चुअल ये आपका होता है क्या, पॉलन ग्रेन्स। तो ये आज था हमारा आज का जो हमारा टॉपिक था पॉलन ग्रेन्स था। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल राज बायोकेयर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।